दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी में पूरे पाकिस्तान के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसियां आई हुई हैं, जिस पर पूरे पाकिस्तान से मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एजुकेशन प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट है। यहां पर सबसे ज़्यादा जो असामियाँ हैं वो आई हुई हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की, तकरीबन 42 असामियाँ, जिस पर तलीमी काबिलियत ज़्यादा ज़्यादा मिडिल या मैट्रिक रखी गई है। तो आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने वेबसाइट खोली हुई, यहां पर इनकी एडवर्टाइजमेंटें चल रही है। मैं थोड़ा सा बैक लेकर चलता हूं आप लोगों को होम पर। तो दोस्तों, मैं वापस आ गया होम पेज पर फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी की। तो जैसे ही आप लोग ये वेबसाइट खोलो ना, यहां पर ये कैरियर लिखा हुआ है, देख सकते इस जगह पर, ठीक है। मैं इस जगह क्लिक कर लेता हूं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं, ये लोड होती है और नीचे नीचे एक पेज ओपन होता है। देख सकते हैं ये इश्तिहार है, ठीक है। ओपनिंग डेट देख लें, ये आई थी 28 मई को। क्लोजिंग डेट देख लें 24 जून 2022 है, मतलब इस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जून है। आज जिस टाइम ये वीडियो बनाई जा रही है, आज है 22 जून। तो पहले एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, फिर आगे आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करोगे ये आप लोगों को बताता हूँ, पहले इश्तिहार तो देख लो आप लोग। तो देख सकते हैं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर एक असामी, असिस्टेंट दो असामियां, इसके बाद कैशियर एक असामी, सब इंजीनियर दो असामियां, डाटा एंट्री ऑपरेटर 14 असामियां, स्टेनोटाइपिस्ट एक असामी, अपर डिवीजन क्लर्क 4 असामियां, गार्डीवार कुछ इस तरह से लिखा हुआ है एक असामी, स्नेटरी सीनियर सर्वेयर है बल्कि 3 असामियां, इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क 4 असामियां, पटवारी की 5 हैं, सिक्योरिटी गार्ड या फिर सुपरवाइजर की यहां पर दे सकते हैं 2 असामियां, ड्राइवर की 2 असामियां, और यहां पर मजीद भी आप लोग दे सकते हैं डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर की 1 असामी, नैब कासिद की 10 असामियां। इनमें सबसे अच्छी असामियां भी यही हैं। सिक्योरिटी गार्ड की देख लें 42 असामियां। तो आप लोग अगर पढ़े लिखे हो तो कह रहे हैं कि हम आपको तरजीह देंगे, आराम से अप्लाई कर सकते हो। 25,000 इसकी सैलरी है, तो 42 असामियां इसकी है, चौकीदार की 2 असामियां हैं, काफी ज्यादा असामियां हैं। तो मजीद आगे ये लिखा हुआ ये पढ़ लेना खुद ही। बैक लेकर चलता हूं दोबारा वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर मैं आ चुका हूं, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसका चलान भी है, चलान देखते हैं चलो कितना है। चलान आप लोगों को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, तो चलान 200 रुपए चलान है। आज ही जाएं बैंक में चलान जमा कराएं, अस्क्री बैंक में आप लोगों ने चलान जमा कराना है। वापस लेकर चलता हूं, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां पर ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके पर मैंने क्लिक कर लिया है, तो यहां पर ये देख सकते हैं इस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये एक ही फॉर्म है, कोई आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाना, सारा कुछ इधर ये देख सकते हैं अटैच चलान, चलान जो जमा कराओगे ना ये वाला चलान, ठीक है। ये चलान अटैच मतलब इसकी आप लोगों ने पीडीएफ कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से तस्वीर ले लेनी है, ठीक है। ये जाओगे एस्क्री बैंक में जमा कराओगे और वापस आकर तस्वीर ले लेनी है। तस्वीर लेने के बाद इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। ये फॉर्म देख रहे हो, एप्लीकेशन नेम लिखना है, अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, बड़ी एबीसी में लिखना है, फादर का नाम लिखना है, सीएनआईसी नंबर लिखना है, विदाउट डैशेज लिखा हुआ है, जेंडर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आप लोग हो वही सिलेक्ट करनी है। इसी तरह अप्लाइड फॉर जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। ये देख सकते हैं इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 2 प्रोसेस थोड़े से मुश्किल है, देख सकते हैं अटैच चलान और अटैच सीवी या पिक्चर है, ठीक है। सीवी की पिक्चर अपलोड करनी है, अपनी पिक्चर नहीं अपलोड करनी, ठीक है, देखा हुआ है। और तस्वीर सुन लें, ये देख लें आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूं, ये लिखा हुआ है कि 1 MB की तस्वीर होनी चाहिए, तो 1 MB से ज्यादा है तो वो आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर आप लोगों ने गूगल पर सर्च करना है इमेज रिसाइजर, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं यहां पर लाइव प्रूफ के साथ, ठीक है। इमेज रिसाइजर मोबाइल पर भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने मोबाइल खोला हुआ है। तो इमेज रिसाइजर आप लोग किस तरह यहां पर इमेज को रिसाइज कर सकते हो, ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। पहला लिंक ही मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। तो इमेज रिसाइजर के लिए यहां पर आप लोगों ने जाना, चलो ये वेबसाइट दे दूंगा मैं इमेज रिसाइजर की, ठीक है। फर्ज क्या आप लोग ये देख रहे हो, ये है वज़ारत दिफा की आजकल असामियां आई हुई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाजमी अप्लाई किया होगा, काफी ज्यादा असामियां हैं। तो वज़ारत दिफा का ये आप लोग देख सकते हैं थंबनेल है, ठीक है। ये देख रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। अब 1 MB की फाइल है, आप इसको 500 KB की कर लो, ठीक है। 500 लिखना है, इस तरह रिसाइज इमेज करना है, ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। यहां पर डाउनलोड इमेज करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं डाउनलोड इमेज हो गई, बल्कि ये डाउनलोड हो ही गया है।
तो दोस्तों इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हो आराम से, एक से ज्यादा आसामियों पर घर बैठे अप्लाई करना है, 200 रुपए चलान है। मजीद मिलते हैं एक और जॉब अपडेट में।